Assalamualaikum alaikum everyone and welcome back to another video so guys today's video is about our semester project uh, the semester project is all about the uh, design of an embedded system for a line following robot as uh, <clears throat> you have already seen in our previous video uh, in last year we have uh, also designed a line following project but with the help of digital logic design but now we will be going to use the concept of microcontrollers and embedded system in order to perform a line-following project robot. So, <clears throat> as you all know, uh, my name is uh, Haseeb Shahid, and I am the student of mechatronics engineering at Air University Islamabad. Uh, so, before uh, heading towards uh, uh, further heading towards the first, first of all we will going to discuss what our project really is and what are we going to design so first of all for that purpose uh, we will be going towards our word file or if you can say that is our word document which is our design or which is the question which has the objective which contains the task that we are going to implement or डिज़ाइन वी नीड टू डिज़ाइन एन एम्बेडेड सिस्टम एंड फर्मवेयर फॉर अ लाइन फॉलोइंग रोबोट दैट कैन रिमेंबर इट्स रैंडम path हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन करना है जो डंप ना हो जैसे कि लास्ट ईयर हम लोगों ने लाइन फॉर्मिंग रोबोट बनाया बट वो लाइन फॉलोइंग रोबोट डंप था क्योंकि उसको अपने पाथ के बारे में इतना पता नहीं था कि वो किस पात को फॉलो कर रहा है ठीक है और कौन से पात से उसने वापस आना है but now in that case we are going to design a robot uh, jobna path yadra kega or to b pointe uh, by remembering it, uh, its path and as well as he will be following the line so our task is to design and build a robot the line following robot who must follow a random given path on planet drosa with black and white surface using infrared sensors सो बेसिकली दिस वॉज गिवन अचुएशन अब हम ये चीज को इस तरीके से ले सकते हैं कि हमें एक सिचुएशन गिवन है जहाँ पे हम लोगों ने एक ऐसा रोबोट है जो हमने मार्स या किसी ऐसे प्लेनेट जो है वहाँ पे भेजना है जहाँ की सरफेस वाइट है और उस पर ब्लैक कलर के पैचेस बने हुए हैं जस्ट जस्ट एज अ केस ऑफ अचुएशन सो हमें उस रोबोट के लिए जो है हम लोगों ने पार्ट डिज़ाइन करना है अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने हमारा रोबोट डम नहीं है वो अपना पार्थ स्टोर करवा रहा है तो उसके लिए हम एक एस डी कार्ड मॉड्यूल जो होगा उसकी इंटरफेसिंग करेंगे जिसकी मदद से हमारा जो डाटा है वो एस डी कार्ड के अंदर जो है वो स्टोर हो रहा होगा सो दिस इज़ आवर टास्क सो कुछ हमारा ट्रैक इस तरीके का है ठीक है इसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बी है हम मल्टीपल लेंथ में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को भी चेक करके बना सकते हैं बट फॉर दैट परपज वी नीड टू अप्लाई द रेंडम पार्टिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक विच वी हैव लर्न इन द पाथ प्लानिंग सब्जेक्ट अगर हम वो रेंडम पार्टिकल ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक को यूज करके भी हम ये काम परफॉर्म करवा सकते हैं सो द स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स कुछ स्पेसिफिकेशन हैं ठीक है और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी जो हैं हम लोगों को कोई एक सूटेबल बेस यूज़ करनी है ताकि हमारा रोबोट रिलाईबल हो जो वर्क कर सके ड्यूअल चैनल एच पी तो क्योंकि हमारा टास्क ये है कि अगर हमारे रोबोट के टास्क आ, आ, वे के अंदर अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो वो उस ऑब्स्टेकल को अवॉइड करें और अपने आप को रिटर्न बैक लेके आए तो ये हमारा टास्क है तो उसके लिए हम लोगों को एच ब्रिज को यूज़ करना पड़ेगा और हमारे पास बैटरी टू थाउजेंड एम हम लॉन् की बैटरी यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू गिव अ प्रॉपर पावर बैकअप फॉर द डाटा टू स्टोर वे वी बी गोइंग टू यूज़ माइक्रो एस कार्ड एंड फॉर द लाइन फॉलोअर हमें पता है कि हम आई को ही यूज़ करेंगे सो so, ये हमारी एक सिंपल सी जो है कॉन्सेप्ट डायग्राम है जिसमें हमने एक स्टार्ट स्टॉप बटन एनकोडर्स को सेंसर्स को और बैटरी सेंसर्स को हम लोगों ने आरडिनो बोर्ड के साथ इंटरफेस किया है सही है और वो जो बोर्ड है वो हम लोगों को आउटपुट जो है वो डिलीवर कर रहा है सो लेट्स मूव ऑन टूअर्ड्स आवर सेंसर्स के हमारे जो सेंसर्स हैं वो कैसे काम करते हैं ठीक है हमारे सेंसर्स के क्या काम हैं तो सबसे पहले जो हमारा जो मेन सेंसर है वो हमारे पास आता है आई आर सेंसर आई आर सेंसर्स क्या होते हैं आई आर सेंसर्स हमारे इंफ्रारेड सेंसर्स कहलाते हैं इंफ्रारेड सेंसर्स के अंदर हमारे पास एक आई आर रिसीवर होता है और एक हमारे पास आई आर एमिटर होता है रिसीवर जो है वो हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन को रिसीव करता है एमिटर इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिट करता है ये हमारे पास उसका थ्रेश होल्ड सेट करने के लिए एक जो है वो हमें गिवन है ट्राईपॉड गिवन है जिससे हम उसकी जो रेंज है आई सेंसर की उसको वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स दिस इज हमारा आई सेंसर जो है हमें पता है फाइव वोल्ट से 3.3 वोल्ट की रेंज के ऊपर वर्क करता है ये उसका वो वाली पिन है ये हमारी ग्राउंड है और ये हमारे पास डिजिटल आउटपुट है अगर हम ये वाला मॉड्यूल ना यूज करते तो आई सेंसर जो है वो हमें एनालॉग आउटपुट देता और हमें उसके आगे ए को जो है इंटरफेस करवा के हमें रिजल्ट को स्टोर करवाना होता सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर सेकेंड इंपॉर्टेंट सेंसर द सेकेंड इंपॉर्टेंट सेंसर वी आर गोइंग टू यूज द अल्ट्रासोनिक सेंसर now the point is why we are going to use the ultrasonic sensors. Ultrasonic sensors are used to detect an obstacle or an object in various kinds of our robots. बहुत सारे robots में हमारा जो zoomer robot है, उसमें भी हम ultrasonic sensors को interface करके उससे के through उस जो है obstacle को detect करवा सकते हैं. लेकिन हम यही काम ये यह sensors के through भी कर सकते हैं, but we will going to use the ultrasonic sensor as the most प्रेफरेबल एंड द मोस्ट कॉमन वे हम जो हमारा जो है यूज़ किया हुआ है तो इसमें इसके अगर हम पिन आउट्स की तरफ जाते हैं तो इसमें हमारे पास एक वी है वी सी सी इज़ यूज टू ऑन द अल्ट्रासोनिक सेंसर अगर हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर को लगाया है तो वी सी सी से अल्ट्रासउिक सेंसर जो है वह एम पावर होता है एक इनपुट ट्रिगर की पेन होती है एक आउटपुट एक्ो की पेन होती है इनपुट ट्रिगर मीन्स कि एक हमारा जो ट्रांसमीटर का है अगर हम यहाँ पे सिग्नल डालेंगे तो ट्रांसमीटर से हमारी जो वेव है वो ट्रांसमिट होंगी एक्से हमें ट्रांसमिट से जो वेव्स आगे टकरा के रिसीव हो रही होंगी वो हमें मिल रही होंगी और एक हमारे पास जो है वो ग्राउंड टर्मिनल है तो ये हमारे पास है अल्ट्रासोनिक सेंसर इसका यूज़ और इसका मॉड्यूल नंबर है एच सी एस आर ज़ीरो फोर अब नेक्स्ट हमारे जो दो इम्पॉर्टेंट सेंसर्स हैं जो हम लोगों ने बैटरी मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किए हैं वो हैं हमारे पास करंट सेंसर और वोल्टेज सेंसर करंट सेंसर और वोल्टेज सेंसर हमने इसलिए यूज़ किया है कि हमारी जो बैटरी है वो हमें ये चीज़ बता सके कि हमारे पास आउटपुट का कितना बैकअप मौजूद है तो हम लोगों ने इसके लिए जो है करंट और वोल्टेज सेंसर्स को यूज़ किया हुआ है यूज़ किया है। हम ये दोनों मॉड्यूल का कंबाइंड मॉड्यूल जो है वो भी यूज़ कर सकते थे जो हमें दोनों वैल्यूज जो है करंट की भी और वोल्टेज की भी वो हमें प्रोवाइड करता लेकिन हम लोगों ने ये इसीलिए यूज़ किया ताकि हमें अलग अलग करंट और वोल्टेज सेंसर का जो यूज़ है हम उसको स्टडी कर सकें तो जैसा कि वोल्टेज सेंसर है वोल्टेज सेंसर के ऊपर पावर इंडिकेटर नहीं होता जबकि करंट सेंसर के ऊपर पावर इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कि आपका वोल्ट करंट सेंसर जो है वो ऑन है और करंट सेंसर हमेशा सीरीज़ में लगता है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से ये बल्ब इससे कनेक्ट होगा और ये यहाँ से लग के इसमें आ जाएगा मतलब कि ये आगे बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी के थ्रू जो है टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है तो ये सीरीज में लगता है इसके अंदर बल्ब होता है लग के वोल्टेज सेंसर में नहीं होता और वोल्टेज सेंसर जो है वो हमारे जो बैटरीज के क्रॉस है उस सीरीज में ही जो है वो अपना वोल्ट पैरल में जो है सॉरी अटैच होता है सो आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंसर इज़ एनकोडर एनकोडर का क्या काम होता है और एनकोडर वर्क कैसे कर एंड कोडर्स हमारे आर पी एम काउंट करता है कि हमारे पास कितने आर पी एम आ रहे हैं वो हमारे जो कोडर्स की मदद मतलब से हमें मिल रहे होते हैं एनकोडर्स के साथ हमारे टायर्स के साथ एनकोडर की डिस्क लगी होती हैं वो डिस्क के अंदर होल्स होते हैं अब हमारे पास ये इनकोडर का एक ट्रांसमीटर होता है सेम आइया ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है यहाँ से ट्रांसमिट होती है रेडिएशन और जितनी दफ़ा भी हमारी रेडिएशन डिस्टर्ब हो रही होती है डिसरप्ट हो रही होती है उतने वो साइकिल्स को क्या कहता है काउंट कर रहा होता है तो हेडिंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट विच इज़ द एस डी कार्ड मॉड्यूल एस डी कार्ड मॉड्यूल एक बहुत इम्पॉर्टेंट um, मॉड्यूल है क्योंकि हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ uh, करेंगे आगे भी और इसका मकसद जो है वह uh, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, है हमारे लिए सो दिस इज अवर एस डी कार्ड मॉड्यूल दिस इज अ सेवन पिं मॉड्यूल वन इज ग्राउंड वन इज पी सी सी द अदर फोर पिंस आर जस्ट फॉर द कम्युनिकेशन विद द आडिनो बोर्ड दीज पेंस आर यूज फॉर कम्युनिकेशन जैसा कि मीजो मोजी एस सी के Mizu, Mozi, और ये सी एस के जो पेंस हैं इसकी जो स्पेशफाइड पेन्स हैं वो हमारे आरडिनो बोर्ड के ऊपर अवेलेबल होती हैं तो हम उसकी मदद से इसका जो है कनेक्शन डेवेलप कर लेते हैं सो हेडिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट इज़ आवर फाइनल कॉम्पोनेंट विच इज़ आवर एल सी डी डिस्प्ले एल सी डी हम लोगों ने पहले लैब्स में बहुत दफ़ा यूज़ की है इसके एक पेन ग्राउंड की एक पी सी सी की एक की एक रजिस्टर सेलेक्ट की होती है आर एस की पिन आर डब्ल्यू की रीड या राइट की पिन होती है एक एनेबल की होती है और हम इसमें एट बिट या फोर बिट, जिस हिसाब से भी हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं हम उस फॉर्म में इसको कम्युनिकेट करवा सकते हैं और हाँ उसके बाद हमारे पास आता है मोटर ड्राइवर मॉड्यूल अब मोटर ड्राइवर मॉड्यूल क्या काम करता है मोटर ड्राइवर मॉड्यूल हमारा एच ब्रिज की ही तरह काम करता है हम ये ज़्यादा एडवांस है क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने हम इसके इस एक मोटर ड्राइवर मॉड्यूल के थ्रू हम दो मोटर्स जो हैं उनके डायरेक्शन के साथ साथ उनके आ, स्पीड वग़ैरह को उनके पी को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं इसकी एक पिन फाइव वोल्ट की होते हैं होती है जो आर्डिनो से कनेक्टेड होती है एक ग्राउंड की होती है और एक हम लोग एक्सटर्नल बैटरी के जो है ना ट्वेल्व वोल्ट अप्लाई करते हैं ताकि जो हमारे मोटर का जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो हम उसको प्रोवाइड कर सकें और लास्ट में हम लोगों ने जैसे बताया कि हम 2000 थाउजेंड एम की जो है वो बैटरी यूज़ करेंगे फॉर द प्रॉपर पावर बैकअप कि हमारा जो मोट हमारा जो रोबोट है वो रिलायबल हो और लेटर यूज़ में भी हमारे काम आ सके और लास्ट थिंग जिसके थ्रू हम लोग अपना आ, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारा है आडिनो बोर्ड तो ये हमारा आडिनो बोर्ड है इसके ऑडिनो बोर्ड्स की पेंस का हमें पता है ये जो हमारी लोअर्स पिन हैं ये हमारी अनलॉक पें्स हैं ये सारी की सारी हमारे डिजिटल पेन्स हैं तो हम इनको कन्फिगर कर सकते हैं अगर हम कोडिंग ऑडिनो आई के थ्रू करेंगे तो, तो हम लोग पिन और बोर्ड मैपिंग के थ्रू जो है हम कोडिंग कर सकते हैं लेकिन अगर हम जो कोडिंग है वो हम ए वी के थ्रू करेंगे तो फिर हमें प्रॉपर पोड्स और प्रॉपर पिन नंबर के थ्रू जो है कोडिंग करनी पड़ेगी सो so, अब नेक्स्ट बताऊँ प्रोटीसीमेटिक प्रोटीसीमेटिक्स पे जाने से पहले हम चलते हैं अपने कोड की तरफ आ, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है और हम उस कोड के अंदर देखेंगे कि हम लोगों का कोड कैसे वर्क करता है सो दिस इज आवर कोड सबसे पहले मैं आपको कोड का फ्लो समझाता हूँ कि ये हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच ये हमारे क्रिकुट क्रिस्टल की आई मीन एस सी के जो लाइब्रेरी है जो बिल्ट इन लाइब्रेरी हमारी आर डीनो डी ई के अंदर मौजूद होती है ये वो है फिर हम एस डी डॉट एच ये लाइब्रेरी जो क्योंकि जो हम लोग एस डी कार्ड को इंटरफेस करवा रहे हैं तो हम उसकी लाइब्रेरी को भी इंटरफेस करवाना पड़ेगा जब हम जब हम मैंने आपको बताया था कि जैसे हम आर डीनो डी ई के थ्रू कोड करते हैं तो हम लोग जितने भी हमारे पेंस हैं हम उसको जो हमारे भी जिनको भी पिन्स डिफाइन करते हैं वह हम आर बोर्ड के ऊपर जिस नंबरिंग से लिखी होती है हम उसके थ्रू डिफाइन कर रहे होते हैं जैसे कि लिक्विड क्रिस्टल के लिए हम लोगों ने डिजिटल पेट ट्वेल्व अलेवन फाइव फोर थ्री टी को यूज़ किया है जो तो हमारी आर एस एनेबल डी फोर डी फाइव डी सिक्स और डी सेवन है हम डी फोर डी फाइव डी सिक्स और डी सेवन की यूज़ करें क्योंकि हम ऐट बिट कम्युनिकेशन के बजाय हम फोर बिट कम्युनिकेशन के चैनल को यूज़ करें तो हम लोग चार ही डाटा पेंस को यूज़ कर रहे होंगे अब हम यहाँ पर क्या करते हैं एक कॉन्ट्रास्ट का वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं जिसकी वैल्यू हम लोगों ने रखे जिस हम लोगों ने पिन असाइन किया है पिन नंबर सिक्स करेंट आई I मीन mean, करेंट सेंसर के लिए हमने पिन असाइन की है एनालॉग पिन जीरो सेंसिटिविटी के लिए इसे पिन नंबर सिक्सटी सिक्स पे और ये सेंसिटिविटी हमारी जो है भी वो बेसिकली कॉन्ट्रास्ट की है कि कॉन्ट्रास्ट की हम कितनी वैल्यू जो है वो सेट करना चाहते हैं देन हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू ए की इनिशियल वैल्यू हम जीरो ले रहे हैं कि हम लोगों ने ए की वैल्यू क्योंकि हमने कोई चीज़ तो उसमें स्टोर करवानी है ए की तो हम पहले उसको जीरो इनिशियलाइज करवा लेते हैं देन हम उसका ऑफसेट वोल्टेज जो है वो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सेट करते हैं कि हम लोगों को कितना ऑफसेट रिक्वायर्ड है मतलब कि हमारा कितना जो एनोलॉग वैल्यू का चेंज होगा वो हम डिजिटल में देखना चाहते हैं और उस उसमें वोल्टेज किस तरीके से हमारा सेट हो रहा होता है आ, और ये हमारे पास वोल्टेज सेंसर एनालॉग पिन वन है जिसमें हम लोगों ने जो आउटपुट वोल्टेज है उसके लिए जीरो जीरो रखा इनपुट वोल्टेज के लिए और ये आर वन और आर टू आर वन और आर टू बेसिकली हमारी इंटरनल रेजिस्टर है क्योंकि अगर हम वोल्टेज सेंसर को या वोल्टेज सेंसर मॉड्यूल को ब्रेक करके देखते हैं तो हमें उसमें पता चलता है कि उसके अंदर हमारे पास दो जो है रजिस्टर और वोल्टेज डिवाइडर जिसको हम बोलते हैं उसके थ्रू वोल्टेज सेंसर वर्क कर रहा होता है तो उसके लिए जो बिल्ट इन रजिस्टेंसेज रखी जाती है तो उसकी वैल्यू हम लोग ये सेट कर रहे होते हैं और हम लोगों ने जैसा कि बताया कि हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर भी यूज़ किया है तो उसकी इको पिन को हम 43 इनिशियलाइज करवा नहीं देते नहीं। हैं और ट्रिगर पिन को 38 इनिशियलाइज करवा रहे होते हैं सो दिस इज फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनालॉग सेंसर वोल्टेज सेंसर करंट सेंसर और वोल्टेज सेंसर एंड अल्ट्रासोनिक सेंसर अब हम यहाँ पे ये स्वी स्पीड वट इज मेड बाई वी स्पीड वी स्पीड का मतलब है कि हम मोटर की स्पीड कितनी रखना चाहते हैं कि अब हम लोगों ने मोटर की जो स्पीड है वो 255 सेट की है 255 मतलब कि हम फुल ड्यूटी साइकिल मतलब हम पूरा पीडब्ल्यूएम जो है यानी कि हम टाइमर को 250 टाइम टू फिफ्टी तक रन करते हैं मतलब कि हम पूरा ड्यूटी साइकिल जो है वो हम मोटर को ऑन रख रहे हैं मतलब कि हम उसको मैक्सिमम स्पीड के ऊपर टर्न करवा रहे हैं टर्न uh, स्पीड हमने रखी है टू हम टर्न स्पीड को कम कर सकते हैं अगर हमारी रिक्वायरमेंट व अगर हमारे सेंसटर ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है तो हम टर्न स्पीड को कम रख के उसको स्लोली जो है टर्न के ऊपर रोटेट करवा सकते हैं यह हमारे पास एल टू नाइन्टी थ्री जैसा कि पता है मोटर ड्राइवर मॉड्यूल है उसके कनेक्शन के हवाले से है इसमें हम लोगों ने उसमें मोटर वन मोटर वन मीन्स ए वन जो हम लोगों ने लेफ्ट मोटर रखी है वो हमारी थर्टी टू पिन से कनेक्टेड है राइट और उसकी दूसरी पोर्ट जो है वो थर्टी फोर से इसी तरह सेकेंड मोटर 36 एंड 40 दिस आर द पिन फॉर द एनेबल जिससे हम पी डब्ल्यू एम कंट्रोल करवाते हैं एनेबल की पिन के ऊपर जो भी वैल्यू साइन होगी वो बेसिकली हमारी जो है वो पी डब्ल्यू एम की होगी तो यागे सेवन यागे और एट वैदे से कनेक्टेड है वो दोनों मोटरों के लिए अलग अलग हैं हम दोनों मोटर्स की वैल्यूज़ को अलहदेदा भी कंट्रोल कर सकते हैं सेंसर्स है, कनेक्शंस हैं ये हमारे आई आई सेंसर के है, कनेक्शंस हैं उनकी पिन आउट्स हैं क्या हम लोगों ने कौन से क्योंकि मैंने बताया था कि हम भैया सेंसर जो है वो एज अ मॉड्यूल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो मॉड्यूल mm -hmm. है तो वो डिजिटली वर्क कर रहा है डिजिटली वर्क कर रहा है तो उसके लिए हम डिजिटल पिंस के थ्रू भी डाटा ले सकते हैं तो ये उसके डिजिटल पिंस का कनेक्शन हमारे पास mm -hmm. मौजूद है mm -hmm. और ये हमारे पास एनकोडर्स हैं एनकोडर एनकोडर इज द ओनली डिवाइस दैट वी आर गोइंग टू यूज इज एनालॉग

डिजिटल पिन्स पर डिजिटल डाटा दे सकते हैं लेकिन एनालॉग डाटा नहीं दे सकते जबकि एनालॉग पिंस पे हम डिजिटल भी डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं और एनालॉग भी तो हम लोग अपनी पीसीबी के बी के लिए इसको जो हमारे एनकोडर्स हैं उनका डाटा हम लोग एनालॉग पिन के ऊपर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं सो so, ये हमारे बेसिकली स्टेप साइज और आर वगैरह की हम लोगों ने वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाया है क्योंकि हम लोगों ने बाद में इसके अंदर वैल्यूज को स्टोर करवाना है तो हम पहले इन वैल्यूज़ को इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाएंगे और बाद में हम जब इसको कोड लिखेंगे तो हम लोग उसमें इस वाली वैल्यूज़ को यूज कर रहे होंगे सेकेंड हम लोगों ने हम एज वी आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल आवर रोबोट थ्रू स्टेट मशीन अब हमने स्टेट मशीन्स के थ्रू अपने रोबोट को कंट्रोल करना है फॉर द पर्पज ऑफ स्टेट मशीन स्टेट मशीन्स के थ्रू हम लोगों को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हम स्टेट्स डिफाइन करते हैं कि हमारे पास छः सेंसर्स हर सेंसर एक अपनी एक स्टेट रखता है कि वो किस कंडीशन में है ऑन कंडीशन में है ऑफ कंडीशन में है जिस भी कंडीशन में होगा वह उसकी स्टेट होगी पहले हम उसकी स्टेट वेरिएबल्स को इनिशलाइज करवाते हैं पिन मोड हमारी कमांड होती है जिससे हम पिन पे कोई भी पिन जो है हम आ इधर आउटपुट या इनपुट कंसीडर करवा सकते हैं हम पिन मोड पे मोटर ए वन पे आउटपुट मतलब मोटर ए वन को हम आउटपुट कंसीडर कर लेते हैं कि जो पिन मोटर ए वन से कनेक्टेड है उस पर आउट जाएगा उसे डाटाइन नहीं होगा सिमिलरली ए टू के लिए भी हम आउट असाइन करते हैं बी वन और बी टू के लिए भी हम आउटपुट ही असाइन करते हैं जबकि जितने हमारे सेंसर्स हैं उधर से डाटा हमारे पास इनपुट आ रहा होगा तो हम उधर से डाटा इनपुट इनिशियलाइज करवा लेंगे तो ये हमारे बेसिक हाँ इनिशियलाइजेशन है फिर हम सीरियल डॉट पिकेन की कमांड यूज़ करके लूप रन करते हैं और हम लोग सबसे पहले अल्ट्रासोनिक सेंसर की कंडीशंस को रन करवाते हैं कि हमने अगर अल्ट्रासोनिक सेंसर तब यूज़ किया कि अगर अल्ट्रासोनिक सेंसर जब कोई भी चीज़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है उसकी रेंज में आता है तो वो रोबोट को टर्न करेगा जैसे ही सेंसर्स अपनी स्ट्रेट लाइन की कंडीशन को डिटेक्ट करेंगे वो वापस उसी पाथ को फॉलो करना शुरू कर देगा जिस पाथ के थ्रू वो आगे गया हुआ था तो हम यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स की जो है वैल्यूज़ को उनके चीज इनिशियलाइज करवा लेते हैं उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने डिस्टेंस के ऊपर हम लोगों ने वेव को भेजना है और कितने डिस्टेंस के बाद कितने डिले के बाद हम लोग उसको रीड करना है then हम लेफ़्ट सेंसर की स्टेट्स को डिजिटल रीड कर रहे हैं मतलब कि हम उधर लेफ्ट सेंसर की स्टेट को देख रहे हैं कि हमारे पास कौन से उस पर क्या स्टेट आ रही है हम उनकी स्टेट्स को रीड करके कंडीशन बनाते हैं कि हम लोगों ने किस स्टेज पर राइट टर्न करना है किस पे लेफ़्ट करना है और किस पे सीधा जाना है और उसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी बताना है कि हमारे पास मोटर की कितनी स्पीड होनी चाहिए हम ये काम जो है उसके थ्रू भी कर सकते हैं अगर हम फंक्शन बना दें मल्टीपल स्टेट्स के मल्टीपल फंक्शन अगर हम असाइन कर दें और जस्ट वी हैव टू कॉल दोज फंक्शन देन वी कैन सिम्प्लीफाई अवर कोड एज़ वेल हम इस कोड को मज़ीद सिम्प्लीफाई कर सकते हैं सो दीज आर दंडीशनस जिस पर हम लोग मल्टीपल स्टेट्स और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं और चेक करते हैं कि हम लोगों ने अपने रोबोट को किस डायरेक्शन में ही लेके जाना है क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों को uh, आ, उसको लाइन को फॉलो करवाना है सो so, लाइन फॉलोइंग के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो रोबोट है वो एक ख़ास जो हम लोगों ने डीएलडी के अंदर जो टेबल बनाया था हम उसी टू टेबल को अब सिक्स सेंसेस के लिए बनाएंगे और हम उस पर कंडीशंस को वेरीफ़ाई करेंगे कि हमें किस कंडीशंस के ऊपर इसको रन करवाना है ये हमारे पास आ गया है अपना अल्ट्रासोनिक सेंसर की कंडीशन है कि अगर हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर का डिस्टेंस फोर सेंटीमीटर से कम है और हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो हम लोग सीरियल डॉट डॉटमेंट हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो गया है और ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होने के बाद वो अपने उस कंडीशन को चेक करेगा कि अगर हमारा मोटर एवन को हाई लो कर देगा मतलब कि जो मोटर सेंसर की अगर स्टेट लो है मतलब कि अंटिल एल एस वो स्टेट लो नहीं हो जाती वो पाथ को डिटेक्ट नहीं करेगा और वापस नहीं आ रहा होगा सो दिस इज़ फॉर द ए डी सी वैल्यू क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो करेंट जैसे वैल्यू आती वो है वो एन लॉग होती है यहाँ से हम उसके ए डी सी की कन्वर्जन करेंगे ये। और उसकी जो वैल्यू है उसको ऑफसेट वोल्टेज से मल्टी माइनस करके सेंसिटिविटी से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास जो वोल्टेज जो करंट की रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमें आ, मिल रही वैल। हो वैल। और देन हम ये वैल्यूज को एल सी डी के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे सो दिस इज दैट इज़ ऑल दिस इज़ फॉर द कोड फॉर द एल सी डी डिस्प्ले फॉर द करेंट एंड वोल्टेज सेंसर वैल्यूज सो ये सारे वही चीज़ें हैं लास्ट के ऊपर हम लोगों ने एस डी कार्ड मॉड्यूल की इंटरफेसिंग करने के लिए हमने कोड लिखा है जिसमें हम एनकोडर से डाटा लेते हैं और एनकोडर से डाटा लेने के बाद एस टी कार्ड के अंदर हम उसकी जो है वो लॉगिंग करवा रहे होते हैं सो so, uh, ये हमारा जो है क्या इसको आप कहते हैं कि हमारा कोड यहाँ पर एंड हो जाता है क्योंकि हमने जो हमारे रिक्वायरमेंट्स थी हमने उसको ऑलरेडी अचीव कर लिया है सो नाउ वी विल हैड टूवर्ड्स द प्रोटीस डिज़ाइन सो दिस इज आवर प्रोटीस डिज़ाइन हम लोगों ने प्रोटीस के ऊपर पहले सारे सेंसर्स को इंटरफेस करके एल सी डी के ऊपर डाटा प्रॉपर तरीके से देख लिया है कि यह इधर किस तरीके से रन करता है और हमारा जो है वो किस तरीके से वर्क करता है अब प्रॉब्लम बात यह है कि वट इज़ दैट पी सी बी डिज़ाइन वट इज़ दैट पी सी बी सीमेटिक ओके okay, हमें पता है इस बात का कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनका पीसीबी लेआउट हमारे पास जो है इन बिल्ड पी सी हमारे पास मौजूद नहीं होता इन ऑर्डर टू कंपनसेट दोज कंपोनेंट्स वी विल बी गोइंग टू यूज़ द सेल कनेक्टर्स ओके हम लोगों ने पीसीबी पे भी हमारे पास जो कॉम्पोनेंट्स uh, होते हैं उनकी मेल सेल्स ही होती हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं और हम उसे जो है अपना uh, जो है उसी पर सोल्डिंग करके हम लोग अपना जो रिक्वायर्ड बोर्ड है उसको रेडी कर रहे होते हैं सो so, अब हम इसके प्रोटीस की तरफ आ जाते हैं सो दिस इज़ आवर प्रोटिस जो हमारे वहाँ पर तस्वीर लगी हुई है अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सेंसर्स और एनकोडर्स एनकोडर्स के लिए वी सी सी ग्राउंड और एनेबल वन एनकोडर वन का डेटा एनकोडर टू का डाटा यहाँ पर एनकोडर्स के कनेक्शन मौजूद हैं दिस इज़ फॉर द अल्ट्रासोनिक सेंसर्स अल्ट्रासनिक सेंसर का वी सी सी पिन नंबर नाइनटीन एंड फॉर द यूथी एंड ग्राउंड क्या हम लोगों ने अल्ट्रासनिक सेंसर को किस तरीके से कनेक्ट किया है ये उसके कनेक्शन को यहाँ पर डिस्प्ले हुए हुए हैं एस डी कार्ड मॉड्यूल्स के कनेक्शन विथ देयर पिन कनेक्शन आज आल्सो डिस्प्लेड के और ये हम लोगों ने एक कंबाइंड वी सी सी और ग्राउंड के लिए पोर्ट रखी हुई है सो दिस इज़ फॉर द आई सेंसर्स और हर सेंसर के आगे उसका जो कनेक्शन जिस पिन के साथ कनेक्टेड है वो हम लोगों ने ऑलरेडी उसको डिस्प्ले कर रखा है सो दिस इज आवर स्कीमेटिक फॉर आवर पी सी बी डिज़ाइन कि पी के लिए हम अपने स्कीमेटिक को किस तरीके से जो है वो डिस्प्ले करवा रहे होंगे वो हमारी इस तरीके से हमें नज़र आ रही है सो so, अब हम चलते हैं कि इस डिज़ाइन को अगर हम प्रोटीस के ऊपर देखें तो वो किस तरीके से नज़र अपना पी सी कैसे नज़र आएगा सो दिस इज़ अवर पी सी डिज़ाइन हम लोगों ने पी सी डिज़ाइन के अंदर हमारे पी में एक आ, अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने वायर्स और जंपर्स का कम से कम यूज़ किया है वायर क्योंकि जम्पर्स आर नॉट अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स उसमें ब्रेकेज हो सकती है डाटा हमारा ज़ाया हो सकता है हमारे जो है स्ट्रे वैल्यूज़ मिल सकती हैं तो हम लोगों ने वो अगर जंपर्स बोर्ड के अंदर बहुत छोटे जंपर्स को यूज़ किए ताकि हम लोगों को बड़े बड़े जंपर्स और बाहर से जंपर्स लगाने की ज़रूरत ना पेश आए तो ये हमारे पास जो है तकरीबन बोर्ड है ये हमारे पास बोर्ड बना था अब हम इसको अगर हम थ्री डी विजुअलाइजर के अंदर देखें तो हमारा बोर्ड कुछ इस तरीके से हमें नज़र आता है सो दिस इज अवर बोर्ड फ्रॉम द फ्रंट ये हमारा आर्डिनो मेगा लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं उसके साथ हर सेल जो है हम एक एक्स्ट्रा सेल हेडर साथ अप्लाई कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक कि अगर हमें बाद में कोई और कनेक्शन बनाना पड़े तो हम इजीली सेल हेडर्स के थ्रू जो है कनेक्शन को रेप्लीकेट किया हुआ इस जगह पे कि अगर हम लोगों का कोई सेल ख़राब हो जाती है या कोई प्रॉब्लम बन जाता है तो हम उन सेल हेडर्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हमारे एंड कोडर्स लगेंगे यह हमारे पास दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ एल सी डी यहाँ पर लगी हुई है एंड दैट इज़ फॉर द आई आर एंड फॉर द अल्ट्रासोनिक सेंसर तो इस तरीके से जो है हमारा बोर्ड जो है वो हमें नज़र आ रहा है अगर हम इसकी बैक देखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से नज़र आती है कि ये बिल्कुल नीचे जिस तरीके से रेप्लीकेट हो रहा है वो हमारा यहाँ पर ईजीली हमें नज़र आ रहा है सो दिस इज द वे क्योंकि हम लोग आडिनो मेगा के फुटप्रिंट पे बना रहे हैं क्योंकि हम लोग उन्हें रोबोट को अपना कॉम्पैक्टली डिजाइन करना है तो प्रॉपरली उसका कनेक्शन बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है so this is uh, for our PCB uh, now uh, we will be heading towards the next working अब हमारा robot जो है वो nice. किस तरीके से work um, करता है सो so, हमारा मेन मकसद ये था कि हमारा सारा रोबोट को बनाने का कि हमारा रोबोट लाइन को भी फॉलो करे और उसके साथ साथ जो है अपना जो ट्रैक है जो अपना पाथ है उसको भी मेमोराइज़ करे कि वो किस ट्रैक को जा रहा है वो हम लोगों ने एंड की मदद से आर और डिस्टेंस की हेल्प से हम लोगों ने डिस्टेंस को बलॉसटी के साथ डिवाइड करके टाइम के साथ जो है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट किया है कि कितने स्टेप्स जो हैं वो कवर करता है और उस हिसाब से जो डाटा है वो हमारा एस कार्ड मॉड्यूल के अंदर जो है वो जो है स्टोर हो रहा है सो दिस इज़ दिस इज़ द वर्किंग कि हमारा ड जो है रोबोट कैसे काम करता है दूसरा इसके साथ वोल्टेज और करंट सेंसर इंटरफेस है जो बैटरी को मॉनिटर करते हैं कि हमारी बैटरी का करंट और वोल्टेज की क्या सिचुएशन है कितने परसेंट और उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमने एलसीडी को रखा हुआ है हम एलसीडी पे और भी बहुत कुछ डिस्प्ले करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीटन सो दिस इज़ आवर हार्डवेयर रिजल्ट सो हार्डवेयर पर हमारा जो रोबोट है वो कुछ इस तरीके से हमें नज़र आता है सो इसकी जो वीडियो है हम उसको

और सारे मॉड्यूल्स और सारा कुछ जो है इस पर प्रॉपरली इंटरफेस हो रहा है ऑब्सटेकल डिटेक्शन भी हो रही है कि अगर कोई ऑब्सटेकल हमारे रोबोट के रास्ते में आता है तो वो उसको अवॉइड करेगा और अपना अपने जो है रिक्वायर्ड पाथ के ऊपर जो है वो ट्रेवल कर रहा होगा नाउ लेट्स वाइंड अप विद द शॉर्ट लास्ट टॉपिक विच इज़ आवर चैलेंज चैलेंज इस केस में हमें क्या फ़ेस हुए और हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को फेस किया चैलेंजेस के तौर पर इस रोबोट के डिज़ाइन के अंदर जो चैलेंजेस हमें सबसे ज़्यादा फेस करने पड़े वो थे हमारा आर्डिनो के फ्रूट प्रिंट के ऊपर हम लोगों को पीसीबी डिज़ाइन करना था और पीसीबी को जितना हम स्मॉल और कॉम्पैक्ट बना सकते थे हमने ट्राई किया उसके साथ साथ हम लोगों ने शोल्डर करने की कोशिश करी आ, तो बहुत सारी वजहों के तहत हमारा काफ़ी जगहों से शोल्डर डिस्टर्ब हो रहा था जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़े उसके बाद आ, जो एक और मेजर इशू था वो था कि अजवन एवर यू आर डिज़ाइनिंग अ सी बी यू मस्ट हैव टू तो टेक केयर कि के आपके जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो जब मिरर हो के बोर्ड पे सोल्ड होंगे तो उनकी क्या डायरेक्शन होगी because if your components are not properly um, monitored by, by during the formation of a pcb uh, during the software formulation of a pcb then when your uh, pcb was actual printout then you have to face a lot of issues जो हम लोगों को एल सी टी के केस के अंदर फेस करने पड़े एल सी टी में हमारे कनेक्शनस को हम लोगों को बहुत ज़्यादा ऑल्टर कर करके और बहुत डिफरेंट um, वे में लगाने पड़े जिसकी वजह से हमारा जो एल सी टी डिस्प्ले था वो उस तरीके से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था जैसे कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था सो दैट इज़ ऑल फॉर द चैलेंज़स बट वी हैव लर्न अ लॉड फ्राम द फ्राम दिस प्रोजेक्ट हमने इसमें यह सीखा कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हम थ्यूरी में पढ़ते हैं लेकिन उनको एक्चुअल में यूज़ करने से के कॉम्प्लिकेशंस को बारे में और उसमें जो हमें प्रॉब्लम्स फेस हो रही होती हैं उनका तभी पता चलता है जब हम आ, उसको जो है प्रैक्टिकली जो है हम उसको करके देखते हैं सो दैट इज़ ऑल फॉर टूडेज़ वीडियो आई होप यू अंडरस्टैंड वट आई विल टेल यू आपको प्रोजेक्ट हमारा अच्छा लगा होगा हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो टेन टू प्रेस दैट लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो About your concerns and what are the improvements that we have made or that we have to make in our, in our future projects, you can tell me in the comment box. And thank you, and Allah.